हमेशा कहते रहे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक फिर सवाल है मेरे सब्सक्राइबर्स का कि ग्रुप बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि टेलीग्राम चैनल खोल लो, उसमें तो बहुत सारे लोगों की जनसंख्या को ऐड कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 247 लोगों को ही हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप में मात्र 247 लोग ही ऐड होते हैं। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा चीज है जहां पे हम 1000 लोगों तक को ऐड कर सकते हैं। तो क्या मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा तो उसमें किस किस को ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा तो क्यों नहीं बनाऊंगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त MRK। लाइक सब्सक्राइब कमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग को पसंद आएगा तो ऑब्वियसली लाइक कर ही देंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर ही देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या फायदा होगा। आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ शेयर करते रहेंगे, ग्रुप ग्रुप खेलते रहेंगे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, कोई भी आदमी घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसको सिर्फ शेयर करो। तो शेयर करना, मैं ये नहीं कहता कि शेयर करना गलत चीज है, लेकिन शेयर सिर्फ उन चीजों को करना चाहिए जो उस लायक है। अब ये नहीं, जो चीज का आवाज हमें अपने मुंह से उठाना चाहिए उसका आवाज हम ग्रुप में शेयर करते करते उठा रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी BCM या फिर कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, आप मेरे पास कंप्लेन करेंगे कि फलाना अधिकारी मेरे से पैसा मांग रहा है, तो कितना गलत कर रहे हैं आप। आपने आवाज उठाया, नहीं उठाया, आपको तो आवाज उठानी ही नहीं आती, आपको तो डर लगता है, तो फिर ग्रुप में शेयर करके क्या फायदा। इसका मतलब आप घर में शेर हैं और बाहर चूहा जैसे हैं। आपका प्रॉब्लम है, हल आपको ही निकालना पड़ेगा। मैं या मेरे जैसे लोग सिर्फ आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन उस राय के हिसाब से चलना आपका काम है। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैं इसलिए नहीं बना सकता कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से सबको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा तो लोग मुझे फोन लगाएंगे। मेरे पास और भी काम है तो मैं सबका कॉल तो रिसीव कर नहीं सकता, और मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा तो आप लोग गुस्से हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर मेरा चैनल छोड़ करके चले जाएंगे। जो हम दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में मेरी वैल्यू थी, इज्जत थी, प्यार मोहब्बत थी, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान के बीच में जब तक जरूरत रहता है तब तक प्यार मोहब्बत रहता है, जब जरूरत खत्म हो जाती है, बीच में अगर कुछ अनबन हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, ऊपर नीचा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, तो वो प्यार खत्म हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका हल बता दूंगा, उसका रास्ता बता दूंगा, आप उस रास्ते को फॉलो कीजिए, कन्फर्म है आप लोग को सफलता मिलेगी। और बात रही इन अधिकारियों के रिश्वत का, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको हल बता सकता हूं। हल यही बताऊंगा कि आप लोग को अपने इलाके के जितने भी आशा हैं सबका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उन लोग के बीच में जागरूकता बढ़ाइए। और उन लोग को आप नहीं समझा पाते थे, मेरा वीडियो दिखा करके समझाइए कि ये क्या कह रहे हैं, ये वाले सर क्या कह रहे हैं, जिससे कि उन लोग के दिल में एक आग जलेगी सच्चाई का, लड़ने की ताकत आएगी, फिर वो लोग इन गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अरे नहीं समझता, BCM को एक साथ में 10-15 आशा मिलकर के पीटो ना, उसके बाद सब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि आप लोग डर रहे हैं तो उसी डर का वो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाने वाला नहीं हूं, तो इसलिए आप लोग और कमेंट मत कीजिएगा। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, फिर मैं सोचूंगा कि उसका जवाब मुझे कैसे देना है। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।